बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जस्ट थिंक अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर। इट इज़ अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिसन विच इज़ यूज टू रिलीव फ्रॉम फीवर, पेन एंड लोअर बैक पेन। कैन यू गेस वट इज़ द नेम ऑफ दिस मेडिसन? The name of this medicine is paracetamol or panadol. Why this medicine is given the name paracetamol? Because it contains an hydroxyl group attached on para position of benzene ring. The other group is acid amide group. How we come to know that the chemical structure formula of paracetamol contains one benzene ring, one hydroxyl group and one acid amide group? To find the answer of such type of questions, we use the concept of analytical chemistry. If a person is suffering from high fever and he uses paracetamol medicine to relieve from fever, but instead of early recovery he dies. At his death, the reaction of different people will be different. The reaction of his family members will be different. His friends will react in a different manner, but what will do an analytical chemist? An analytical chemist will take the sample from medical store, will prepare sample, will go in lab, will prepare sample and will use different analytical methods and techniques and will tell either this medicine has correct chemical composition or not. But before answering all such type of these question, we need some basic things to know about analytical chemistry. तो in introduction of analytical chemistry हम following concepts को study करेंगे। सबसे पहला है meaning of word analysis, next है जी definition of analytical chemistry, third है terms used in analytical chemistry, four है types of methods used, फिफ्थ है बेसिक नॉलेज एंड सिक्स है एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। वी डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाई वन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एनालिसिस। वर्ड एनालिसिस जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेकअप करना या अनटाई करना, खोलना। इसमें हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है या कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको हम सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक मेजरमेंटल साइंस है जिसमें पावरफुल आइडियाज़ यूज़ होते हैं और डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से हम मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अब मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताने के लिए कि मैटर किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है और जो भी उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो इसके लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है इसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो जो हमारा थर्ड वन कॉन्सेप्ट है वो है टर्म्स डेट आर यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है सैंपल। सैंपल क्या है? ये स्पेसिमन है टेकन फ्रॉम लार्ज अमाउंट फॉर टेस्टिंग। हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमने टेस्टिंग करनी है, वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास मौजूद है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम शॉर्ट टाइम में उस सारी की सारी चीज़ का टेस्ट कर सकें। तो हम क्या करते हैं उसमें से सैंपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर हमने ग्लूकोज का लेवल बताना है, HB का लेवल बताना है या फिर हमने कोलेस्ट्रॉल का लेवल बताना है, यूरिक एसिड का लेवल बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ह्यूमन के ब्लड का थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे और फिर उस पर जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स और टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारी है एनालाइट। एनालाइट क्या है? सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट इन एनालिसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज इन ब्लड सैंपल, इनके हमने एक वक्त में किसी एक कंपोनेंट को बताना है या दो कंपोनेंट को बताना है सैंपल के अंदर, उनकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करना है,
उनकी क्वांटिटी को हमने बताना है। फॉर एग्जांपल ब्लड में अगर हम एक वक्त में सिर्फ ग्लूकोज को बताना चाह रहे हैं तो जो ग्लूकोज हमारा है ये एनालाइट होगा, ब्लड के अंदर बाकी जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो एनालाइट नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड टर्म है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एनालाइट के अलावा जो भी कंपोनेंट मौजूद होंगे सैंपल के अंदर उनको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसा कि हम ब्लड सैंपल की ही बात करें तो इसमें ग्लूकोज के अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं कोलेस्ट्रोल यूरिक एसिड HB एट्सेट्रा वो मैट्रिक्स में आएंगे। फोर्थ टर्म है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? एनालाइट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो कि सैंपल के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो ये वाला जो हमारा एनालिसिस होगा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सैंपल के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्वांटिटी बताते हैं या सैंपल के अंदर मौजूद जिस स्पेसिफिक चीज़ के साथ हमारा कंसर्न है यानी कि एनालाइट उसकी हम क्वांटिटी बताएंगे कि ये वाली जो है इतनी अमाउंट में मौजूद है इस सैंपल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बताएं कि ब्लड सैंपल जो हमने लिया है उसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो ये उसका हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है। नेक्स्ट टर्म जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में अक्सर यूज़ होती है वो है रिवीलेबिलिटी लिमिट। रिवीलेबिलिटी लिमिट क्या है? ये मिनिमम अमाउंट है एनालाइट की जो कि डिटरमिन की जा सकती है एनालिसिस से। यानी इससे कम अगर अमाउंट एनालाइट की मौजूद होगी तो उसको एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट या मेथड से हम जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी एप्रिशिएबल वेरिएशन है इन क्वांटिटी ऑफ एनालाइट डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक यूज्ड फॉर एनालिसिस। सेंसिबिलिटी में सेंसिबिलिटी असल में ये एक वेरिएबल वेरिएशन है जो कि रीडिंग के अंदर बेयर की जा सकती है। इन कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। और अगर उसके अंदर रीडिंग्स के अंदर इतना वेरिएशन नहीं है जैसा कि ये 9, 10, 11 ग्राम, 9 ग्राम ये एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग हमारे पास आई हैं तो अगर ये इतना डिफरेंस है तो ये एप्रिशिएबल वेरिएशन है तो इसको हम जो है ना सेंसिबिलिटी का नाम देंगे उस इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेथड्स डेट आर यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। वन इज़ क्लासिकल एंड सेकेंड इज़ मॉडर्न। क्लासिकल मेथड्स की केमिस्ट्री को हम वेट केमिस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मोस्टली हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर होती है। इसे हम बेंच केमिस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली जो क्लासिकल मेथड है इसमें ग्लास वगैरह हम यूज़ करते हैं जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर हो गए, बीकर्स हो गए, स्टेयर्स हो गई, इस तरह का जो भी ग्लास वेयर है ये हम यूज़ करते हैं कॉलेजेस या स्कूल लैब्स के अंदर या यूनिवर्सिटी लैब्स के अंदर बेंचेस के ऊपर, तो इसको हम बेंच केमिस्ट्री का नाम भी देते हैं। तो क्लासिकल मेथड कुछ ऐसे हैं जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। तो एक बात याद रहे कि हम यहाँ पे सिर्फ उन मेथड्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इनसे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो। तो पहला जो क्लासिकल मेथड है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है वो प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन में क्या किया जाता है? कोई भी हमारे पास लिक्विड है उसमें से सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। सेकंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो क्लासिकल मेथड यूज़ होता है वो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में जो सैंपल के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है उसको सेपरेट करते हैं यानी एनालाइट के अलावा जो भी कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन है इसको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की सेपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। यानी हमारे पास कोई भी मिक्सचर है लेकिन वो है लिक्विड फॉर्म में तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने अलग करने तो हम क्या करेंगे उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उनको सेपरेशन कर लेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उन कंपोनेंट की सेपरेशन करना डिस्टिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट में हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है कि कौन सा नहीं है। जब हम उन एलिमेंट्स को बर्न करते हैं फ्लेम के ऊपर तो उनका एक स्पेसिफिक कलर आता है, हर एलिमेंट का एक करैक्टरिस्टिक कलर होता है तो उस कलर से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट मौजूद है।
उसके बाद कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो कि लैब में हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो क्लासिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं उसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम कैसे क्वांटिटी बताते हैं एनालाइट की ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ एनालाइट। जो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम चेंज क्वांटिटी बताते हैं एनालाइट की। जो क्लोरोमेट्री है इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस, यानी कि कोई भी हमारे पास सैंपल है और वो लाइट अब्जॉर्ब करता है तो लाइट जो हम उसके सैंपल के अंदर से पास करवा रहे हैं पास होने से पहले उसकी इंटेंसिटी क्या है और उससे पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो इस डिफरेंस से हम उस एनालाइट की क्वांटिटी बताते हैं। तो इनके मैं आपको लास्ट पे जो है इनके इंस्ट्रूमेंटेशन भी बताऊंगी इन डिफरेंट मेथड्स की जो कि हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड टाइप के मेथड हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो मॉडर्न हैं। तो मॉडर्न में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफ्रेसिस जो है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के आयंस हैं उसको सेपरेट करते हैं। जो फील्ड फ्लो फ्रैक्शनेशन टेक्निक है इसमें हम फील्ड अप्लाई करते हैं और फ्लूड के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं वो है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इंटरेक्शन है मैटर का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जो सेकंड है ये है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि उनके दरमियान कौन कौन से एंगल मौजूद हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है। जो थर्मल एनालिसिस है इसमें हम टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या आयन है उसके मास टू चार्ज रेशो बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मेथड्स जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनके इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लास्ट पे दिखाऊंगी डायग्राम में। तो फिफ्थ वन कॉन्सेप्ट जिसका पता होना हमें ज़रूरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो है जी बेसिक नॉलेज ऑफ फ्यू थिंग्स। बेसिक नॉलेज किस किस चीज़ का हमें पता होगा तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस, यानी हमें जो सॉल्यूशंस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूशन खुद क्या है, तो ये थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद होमोजीनियस और हेटरोजीनियस सॉल्यूशंस क्या हैं इनका भी हमें पता होना ज़रूरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए सॉल्यूशंस की। उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन की थ्योरी का पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए केमिकल बैलेंस कौन कौन से यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। टाइट्रेशन कर्व्स क्या होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा एंड पॉइंट जो है टाइट्रेशन इंडिकेटर का वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर आफ्टर रिएक्शन कौन सा कलर देगा और बिफोर रिएक्शन उसका कौन सा कलर होता है एसिड में वो कौन सा कलर देगा और बेस में वो कौन सा कलर देगा। उसके बाद है पीएच ऑफ वाटर सॉल्यूशन, ये इसके बारे में हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टैम्पोन सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके बाद जो स्केल्स यूज़ होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिक्स एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमें इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखना है वो था हमारी एग्जांपल कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस तरह का काम किया जाता है। तो अगर हमने इसमें कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर हम वाटर के अंदर हैवी मेटल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं या उनकी क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, इसके मेथड्स को यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो करेंगे। उसके बाद है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम बताना चाह रहे हैं
डिफरेंट सब्सटेंसेस की, तो उसके लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्लड के अंदर कैंसर कॉजिंग केमिकल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो कितना है और कौन सा है, तो उसके लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स में और टेक्निक्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन होती है जिससे हमें मैस टू चार्ज रेशो के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद ये वाला जो है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है, ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। यानी हमने क्वांटिटी बतानी है एनालाइट की, तो उसके लिए हम ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। नेक्स्ट, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ होता है क्रिस्टलोग्राफी के लिए, यानी कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जो ये है, ये डायग्राम शो कर रही है स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल कि किस तरह से ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये किस तरह मैटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और आफ्टर रिएक्टिंग विद मैटर व्हाट हैपन विद दीज रेडिएशंस, दीज फॉर्म आर स्पेक्ट्रा एंड वी स्टडी दीज स्पेक्ट्रा एंड वी कलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट, ये जो है ये फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफ्रेसिस है। इलेक्ट्रोफ्रेसिस में हम जो है इस तरह से, ये हमारे पास फील्ड फ्लो फ्रैक्शनेशन के लिए इस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है कि इस तरह हमारे पास एक ट्यूब के अंदर फ्लूइड होता है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर टू डेट फ्लूइड हम फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे जो फ्लूइड के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपनी डेंसिटी की बेस पे या दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रोफ्रेसिस। इलेक्ट्रोफ्रेसिस में इस तरह से हम जो है इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं जिसमें एक साइड पे एनोड है, कैथोड है, और इसके अंदर जो जब हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट जो आयंस हैं ये डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इस तरह से इनके हम सेपरेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्लेम टेस्ट में है, फ्लेम टेस्ट हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। जैसा कि जब लिथियम क्लोराइड का हम साल्ट लेंगे तो उसमें जो लिथियम मेटल है इसका कलर इस तरह का होगा, सोडियम का कलर इस तरह का होगा, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का कलर इस तरह का होता है, बेरियम क्लोराइड साल्ट में बेरियम का कलर इस तरह का होगा। तो इस तरह डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मेटल्स, तो इनके डिफरेंट कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सी मेटल मौजूद है, कौन सा एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है केमिकल टेस्ट जो मैंने आपको बताया हम यूज़ करते हैं, जैसा कि बेनेडिक्ट्स टेस्ट हम यूज़ करें लैब के अंदर शुगर की प्रेजेंस को बताने के लिए कि जो रिड्यूसिंग शुगर हैं मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो अगर इस तरह का कलर हो तो रिड्यूसिंग शुगर जो है ना वो नहीं होती, अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बने उसके तो ट्रेसेबल अमाउंट में होती हैं, अगर येलो प्रेसिपिटेट बने तो लो अमाउंट होती है रिड्यूसिंग शुगर की, और इसके बाद अगर ऑरेंज रेड बने तो मॉडरेट अमाउंट होती है, और अगर हाई जो है ना कंसंट्रेशन कब होगी जब ब्रिक रेड कलर के हमें प्रेसिपिटेट्स मिलें। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है ये है क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर के या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, तो हम इस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लास्ट स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये है डिस्टिलेशन का, जिसमें हम ये हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है, इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं, और जहाँ हमारे पास थर्मामीटर है तो डिफरेंट लिक्विड का चूँकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और इस हमारे पास मिक्सचर के अंदर डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो डिफरेंट लिक्विड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम जो है ना सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है और जो उसके वेपर्स बनेंगे तो यहाँ से वो कंडेंस होकर यहाँ पर हम उसको ना लिक्विड्स को कलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंटेशन है सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक्सट्रैक्शन है आपके पास कि एक्सट्रैक्शन के जरिए आप किस तरह से सेपरेट करते हैं। ये वाला जो है ये डायग्राम आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बता रही है कि किस तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है तो उसके जो है हम उसके अंदर से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो पहले इस तरह से आएंगे ये सस्पेंशन के फॉर्म में, फिर बाद में ये सारे के सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं
ये इस तरह से नीचे बैठ जाएंगे, ये सॉलिड हमारे पास नीचे इकट्ठा होगा जिसे हम प्रेसिपिटेट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारे पास है ये क्लोरीमेट्री का है, ये हमारे पास क्लोरीमेट्री मशीन्स हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये क्लोरीमेट्री का प्रिंसिपल है कि किस तरह से हम, ये हमारे पास सैंपल है, ये बिफोर पासिंग थ्रू सैंपल लाइट की इंटेंसिटी है और ये आफ्टर पासिंग थ्रू सैंपल लाइट की इंटेंसिटी है, तो इसमें डिफरेंस है। और जो है बियर लैम्बर्ट लॉ होता है उसको अप्लाई करके हम जो है क्लोरीमेट्री की मदद से डिफरेंट सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। याद रहे कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था, तो इसमें सिर्फ यही बताना मकसूद था कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।